हेलो गाइस, अवनीत दिस साइड फ्रॉम साहिबाकार बालीनगर। आज हमने सिट्रॉन C3 के अंदर एसेसरीज इंस्टॉल करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके अंदर एंड्रॉयड स्टीरियो दिखाना चाहूँगा जो कि हमने कार में इंस्टॉल किए हैं। ये हमारा 360 डिग्री कैमरा वाला स्टीरियो है जो कि पैनासाउंड ब्रांड का है। इस स्टीरियो की कॉन्फ़िगरेशन 2GB रैम 32GB स्टोरेज में है। आप इस स्टीरियो की फिटमेंट देख सकते हैं कार के अंदर, विद प्रॉपर फ्रेम कार के अंदर इंस्टॉल हुआ है। सबसे पहले मैं अब आपको स्टीरियो के अंदर 360 डिग्री कैमरा एप्लीकेशन दिखाना चाहूँगा। इस स्टीरियो के अंदर अभी हमने कैमरास की कैलिब्रेशन कर दी है, आफ्टर विच वी आर गेटिंग अ प्रॉपर सैटेलाइट व्यू विच इज़ ऑन द लेफ्ट साइड। आप इसका व्यू देख सकते हैं। आफ्टर द कैलिब्रेशन द मैट्स दैट वी हैव प्लेस्ड ऑल द 4 स्क्वेयर्स आर क्लियरली विजिबल ऑन द स्क्रीन एंड ऑन द राइट साइड वी कैन चूज फॉर अ स्पेसिफिक व्यू ऑफ द कैमरा। लाइक अभी रेयर साइड का व्यू दिखा रहे हैं। वी कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर अ इंडिविजुअल व्यू। लाइक अगर मेरे को लेफ्ट साइड का व्यू देखना है, आई कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द लेफ्ट साइड, आफ्टर विच द लेफ्ट साइड व्यू विल अपेयर ऑन द स्क्रीन। सिमिलरली दिस सेम कैरीज ऑन फॉर द राइट साइड ऑल्सो एंड फ्रंट एंड रेयर साइड ऑल्सो। इसके अंदर कैमराज इंडिकेटर्स के साथ भी वर्क करते हैं। जैसे हम कार के अंदर इंडिकेटर इंगेज करेंगे, ऑटोमेटिकली दैट साइड व्यू विल अपेयर ऑन द स्क्रीन। लाइक जैसे अभी मैंने राइट साइड का इंडिकेटर ऑन किया, आफ्टर विच द राइट साइड इज क्लियरली विजिबल। ये कैमराज हमारा एरिया ज़्यादा कवर करते हैं एज कम्पेयर टू द साइड ओवर VMs। अब इसका व्यू देख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर थिंग, इसके अंदर अगर हम हजार्ड स्विच ऑन कर देते हैं, बोथ साइड्स व्यू विल अपेयर ऑन द स्क्रीन अलॉन्ग विद द इंडिविजुअल सैटेलाइट व्यू इन द सेंटर। लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड जैसे ही इंडिकेटर्स बंद हो गए, ऑटोमेटिकली इट विल रिटर्न टू द फ्रंट साइड व्यू ऑफ द कार। इसके अंदर हमारा लाइव व्यू भी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर द कार आर क्लियरली विजिबल ऑन द स्क्रीन। कैलिब्रेशन के बाद हमारा 3D व्यू भी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करते हैं। लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं, वी कैन चूज फॉर अ स्पेसिफिक साइड बाय यूजिंग दिस व्यू। दिस इज द टॉप साइड व्यू ऑफ द कार। इसके अंदर हमारे कार के आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट आर क्लियरली विजिबल। दिस इज द फ्रंट वाइड व्यू इन विच वी कैन हैव अ फ्रंट साइड ऑफ द कार। इस स्टीरियो के अंदर हमारा DVR ऑप्शन भी है, जिसके थ्रू वी कैन ईजिली रिकॉर्ड द वीडियो ऑफ ऑल 4 कैमराज इन एन एक्सटर्नल स्टोरेज। द ओनली थिंग दैट वी आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल स्टोरेज अलॉन्ग विद द डिवाइस, जिसके बाद हमारी वीडियोज वगैरह डायरेक्टली स्टोर हो जाएगी उसमें। गाइज, ये हमारी एम्बियंट लाइट है जो कि हमने कार में इंस्टॉल करी है। ये K4 सीरीज की लाइट है। आप इस लाइट की फिटमेंट देख सकते हैं। इस लाइट का कलर हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग एन एप्लीकेशन विच कैन बी इंस्टॉल्ड इन एनी फोन, एंड जो भी कलर हम चूज करेंगे ऑटोमेटिकली दिस लाइट कलर विल बी स्विच्ड इनटू दैट। ये अभी सिंगल कलर मोड है। अदर देन दिस देयर आर अ वैरायटी ऑफ मोड्स विच आर अवेलेबल इन दिस एप्लीकेशन। इस कार में हमने 14 पीसेस की लाइट की किट इंस्टॉल करी है, आउट ऑफ विच 4 पीसेज हैव बीन इंस्टॉल्ड ऑन द डोर पैनल्स, 2 पीसेज ऑन द डैशबोर्ड एंड 4 पीसेज नियर द फुट लैम्प्स ऑफ द कार। ये इस लाइट का कलर हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। दीज आर द मोड्स। ये सिम्फनी मोड है लाइट का, इन विच द रेनबो कलर्स फ्लो ऑल ओवर द लाइट। इस लाइट का रिस्पॉन्स देख सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंगली इस लाइट की ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं, If we want to increase or decrease the brightness। आप ये डैशबोर्ड की लाइट देखिए, कितनी बढ़िया लुक आ रही है। इसके अलावा इन दिस लाइट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मोड्स विच आर अवेलेबल थ्रू विच वी कैन कस्टमाइज द इल्यूमिनेशन ऑफ दिस एम्बियंट लाइट। अगर आपको ये एम्बियंट लाइट अपनी कार में इंस्टॉल करनी है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नीचे मैंशनड है। If we talk about the other specifications of the stereo comes along with 2GB of RAM and 32GB of storage, IPS panel and Gorilla Glass.
स्टीरियो का आप टच रिस्पॉन्स देख सकते हैं, काफी स्मूथ टच है। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द इक्वलाइजर ऑप्शन विच वी कैन डायरेक्टली एनहांस आवर साउंड क्वालिटी। इसके अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ प्रीलोडेड मोड्स विच आर ऑल्सो अवेलेबल। Apart from this, this is the balance and fader option which can be used to check whether all the speakers are working in the car or not. And ये हमारा speakers के direction को control करने का option है through which we can direct the face of the speakers. This is the high pass filter and low pass filter option. And this can be used for controlling the bass that is coming from the speakers. And at last, this is the 3D mode through which the surround of the sound can be customized in the car. This is a full-fledged Android tablet that we have installed in the car containing all applications in it. Iske andar we are also provided with the Apple CarPlay and Android Auto option through which hamara phone directly sync ho jayega. Like jaise ki aap dekh sakte hain, this is the Android Auto option jo ki abhi maine phone ko connect kiya hai wirelessly. Android Auto and Apple CarPlay can be connected with this device with wire as well as wirelessly. In Android Auto hamara phone directly sync ho jata hai screen ke andar. And we are also provided with the Google Assistant feature through which we can directly give any commands if we want. अगर आपको ये स्टीरियो अपनी कार में इंस्टॉल करना है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर नीचे मेंशनड है। So guys, we are having sir along with us. Sir, आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम अंकित है, अंकित रॉय। तो अंकित जी, आप कहाँ से आए आज हमारे पास? मैं पटेल नगर से आया हूँ। बेसिकली मैंने ठीक एक महीने पहले ही अपनी सिट्रोन ये C3 ली है, ये बेस मॉडल है जैसे कि, बट मुझे बाहर से काम कराना था और अपने अकॉर्डिंग ही करवाना था काम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि कंपनी वाले आपको पता ही है वो बेसिक चलता है उनका, वही देते हैं। तो मैं काफ़ी सर्च वगैरह भी कर रहा था इंटरनेट वगैरह पर, तो मुझे भैया की वीडियोज़ दिखी यूट्यूब पर, तो मैंने इनका काम देखा। मैंने आकर विजिट भी किया एक बार, उसके बाद मैंने ही काम करवाया, तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप एम्बियंस लाइट भी देख सकते हैं, अभी आपने देखा भी होगा स्क्रीन पे, तो ओवरऑल तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने एंड्रॉयड सिस्टम लगाया वो पूरा मेरा इस फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गया है, तो आपका एप्पल हो या एंड्रॉयड हो दोनों के साथ कनेक्ट हो जाता है ईजिली। आपको ड्राइव करते टाइम हमेशा हमें देखना पड़ता है कि किसी का फ़ोन आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, तो वो सब इसमें हमें ईजिली रीड हो जाता है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा इनके साथ। एंड सर, जो हमने 360 डिग्री कैमरा आपकी कार में इंस्टॉल करे स्टीरियो के साथ, वो कैसा चल रहा है सर? कैलिब्रेशन वगैरह उसकी प्रॉपर हुई है? हाँ जी, हाँ जी, उसकी कैलिब्रेशन बिल्कुल प्रॉपर हुई है। और बेसिकली मैं 360 पहले तो मैं फ्रंट और बैक का ही सोच रहा था, बट जब इनकी वीडियोज़ में मैंने 360 वाला देखा तो मुझे भी मन किया, क्योंकि न्यू गाड़ी है और ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि आराम से चले, किसी की लगे ना, तो उसमें हमारा 360 हेल्प करता है। तो इन्होंने भैया ने कैलिब्रेशन बहुत अच्छे से की है, तो ओवरऑल सब कुछ दिख जाता है, आपने जैसे दिखाया हुआ भैया ने आपको स्क्रीन पे, तो ओवरऑल गुड है सब कुछ। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर फीडबैक। अगर मार्क्स की बात की जाए, अगर जैसे देना चाहें तो मैं 10 में से 10 ही देना चाहूँगा। थैंक यू सर। हाँ जी।